What's up everyone and welcome to Fanblaze. दोस्तों बहुत बार ये होता है कि हम लोग खेल रहे होते हैं फैंटेसी क्रिकेट और हम लोग लाइव अपना स्कोर देखने की कोशिश करते हैं एंड सडनली वहाँ पे प्लस 8 पॉइंट्स होते हैं, माइनस 6 पॉइंट्स होते हैं और हमें रियली समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहे हैं। तो मैंने सोचा एक ही बार में एक वीडियो बनाया जाए जहाँ पे आपको डिटेल में मैं दूंगा कि पॉइंट सिस्टम कैसे चलता है इन T20 क्रिकेट ऑन फैंटेसी क्रिकेट। मैं कवर करूंगा बल्लेबाजी की ऐप का पॉइंट सिस्टम, बट मेनली ये जो पॉइंट सिस्टम होता है यूनिवर्सली, मतलब अक्रॉस मोस्ट फैंटेसी क्रिकेट ऐप्स सेम ही होता है। तो विदाउट फर्दर डिले, मैं हूं आकुल ढींगरा एंड लेट अस बिगिन। सबसे पहली चीज, आपको मिलते हैं 100 क्रेडिट्स 11 प्लेयर अपनी टीम में डालने के लिए। ये पूरे 11 प्लेयर वो 100 क्रेडिट में आने चाहिए। अब हर प्लेयर आपको अलग तरह से पॉइंट्स दिलवाता है। अपने 11 प्लेयर में आप लेंगे एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन। कैप्टन आपको 2 टाइम्स द अमाउंट ऑफ पॉइंट्स दिलवाएगा, मतलब 2x पॉइंट्स, और वाइस कैप्टन 1.5x पॉइंट्स दिलवाएगा आपको, मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ द पॉइंट्स। सबसे पहले अगर आपके सारे 11 प्लेयर प्लेइंग 11 में है, हर प्लेयर को मिलेंगे 4 पॉइंट जस्ट टू मेक इट इनटू द टीम। अब बात करते हैं बैटिंग में आपको फैंटेसी में पॉइंट्स कैसे मिलते हैं। हर रन जो प्लेयर बनाता है उसके मिलते हैं आपको 1 पॉइंट, हर चौका जो प्लेयर मारेगा उसके भी आपको मिलेंगे 1 पॉइंट एंड हर छक्के के मिलेंगे 2 पॉइंट। अगर आपका प्लेयर 30 रन्स का स्कोर क्रॉस करता है आपको मिलेंगे 4 और बोनस पॉइंट्स। अगर आपका प्लेयर 50 क्रॉस करता है आपको मिलेंगे 8 बोनस पॉइंट्स, 8 बोनस पॉइंट। और अगर आपका प्लेयर T20 में सेंचुरी मार देता है तो आपको एक्स्ट्रा 16 पॉइंट और मिलेंगे एज बोनस। मगर अगर आपका प्लेयर डक पे आउट होता है आपको मिलेंगे माइनस 2 पॉइंट्स। अब बैट्समैन के स्ट्राइक रेट के लिए भी आपको पॉइंट मिलते हैं, मगर आपके जो प्लेयर्स हैं उनको कम से कम 10 बॉलें खेलनी होती है अगर आपको ये स्ट्राइक रेट के लिए पॉइंट्स चाहिए। तो अगर आपके प्लेयर का 170 से ऊपर स्ट्राइक रेट मिला आपको 6 पॉइंट बोनस मिलेंगे। 150 और 170 बैटिंग स्ट्राइक रेट के लिए मिलेंगे 4 बोनस पॉइंट। 130 और 150 के बैटिंग स्ट्राइक रेट के लिए मिलेंगे 2 बोनस पॉइंट। मगर T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट द फोर्स एंड सिक्सेस। अगर आपका प्लेयर स्लो खेलता है तो माइनस पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। अगर आपके प्लेयर का 60 और 70 के बीच में स्ट्राइक रेट रहा माइनस 2 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। 50 और 59.9 के स्ट्राइक रेट के बीच में मिलेंगे माइनस 4 पॉइंट्स। एंड अगर बहुत ही स्लो खेल गया आपका प्लेयर 50 से नीचे के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की तो माइनस 6 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। नाउ रिमेंबर, ये सारे स्ट्राइक रेट के पॉइंट्स सिर्फ तब वैलिड होंगे अगर आपके प्लेयर ने कम से कम 10 बॉलें खेली हो। ये हो गया बैटिंग का फुल पॉइंट सिस्टम, मगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट विराट कोहली ने 51 का स्कोर मारा 42 बॉल्स में। उसके लगे 3 चौके और 3 छक्के, मतलब 3 छक्के के उसको मिले 6 पॉइंट्स, 3 चौकों के मिले 3 और पॉइंट, ये हो गए 9 पॉइंट। 51 रन्स मारे, दैट मींस 51 पॉइंट्स और मिले, मिला के हो गए 60 पॉइंट्स। अब इसी के साथ 30 रन बोनस मिला 4 पॉइंट, दैट 64 पॉइंट्स। हाफ सेंचुरी बोनस मिला 8 पॉइंट्स, दैट 72 पॉइंट्स। प्लेइंग 11 में था विराट कोहली, उसके 4 पॉइंट्स तो फ्री के मिल गए, दैट 76 पॉइंट्स। मगर स्ट्राइक रेट 121 का था, मतलब कोई बोनस स्ट्राइक रेट के लिए नहीं मिला। मतलब अगर विराट कोहली आपकी टीम में होता वो आपको दिलवाता 76 पॉइंट्स, और अगर आपका कैप्टन होता तो दिलवाता 152 पॉइंट्स एंड वाइस कैप्टन 114 पॉइंट। तो ये हो गई बैटिंग की बात, अब चलते हैं बोलिंग पे। बोलिंग में कैसे पॉइंट्स मिलते हैं। सबसे पहली चीज, हर विकेट जो आपका बॉलर लेगा उसको मिलेंगे और आपकी टीम को मिलेंगे 25 पॉइंट। एंड अगर वो विकेट LBW या बोल्ड की होगी 8 और पॉइंट फ्री के आपको मिलेंगे। अगर आपके बॉलर ने 3 विकेट हॉल ले लिया उसको मिलेंगे 4 पॉइंट। अगर आपके बॉलर ने 4 विकेट हॉल ले लिया तो 8 और बोनस पॉइंट मिलेंगे। 5 विकेट हॉल लिया तो 16 एक्स्ट्रा और पॉइंट्स मिलेंगे आपको बोनस फॉर योर बोलर्स फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। एंड अगर कोई भी बोलर एक मेडन ओवर डालता है तो 12 पॉइंट मिलते हैं मेडन ओवर के इन T20 क्रिकेट। यही नहीं, इकोनॉमी रेट के भी पॉइंट मिलते हैं, मगर ओनली अगर आपके टीम के बॉलर ने 2 ओवर या ज्यादा डाले हो। अगर आपके बॉलर का इकोनॉमी रेट 5 रन से कम है तो 6 एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स और मिलेंगे आपको। अगर 5 और 5.99 के इकोनॉमी रेट के बीच रहा तो 4 और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे आपको। 6 और 7 के इकोनॉमी रेट के बीच में रहा तो 2 और बोनस पॉइंट मिलेंगे। मगर अगर आपका बॉलर एक्सपेंसिव रहा तो माइनस पॉइंट भी मिलते हैं। 10 और 11 के बीच में अगर बहुत पिटाई हुई बॉलर की तो माइनस 2 पॉइंट्स मिलेंगे। 11 और 12 के बीच में इकोनॉमी रेट रहा तो माइनस 4 पॉइंट्स मिलेंगे, और 12 के ऊपर रहा तो माइनस 6 पॉइंट्स मिलेंगे।
लेट्स होप आपकी टीम में वो बैट्समैन हो जिसने इस बॉलर की पिटाई की हो। तो ये था डिटेल में कि बॉलर कैसे आपको पॉइंट दिलाता है, मगर एक और एग्जांपल लेते हैं। युजवेंद्र चहल ने मुंबई के अगेंस्ट 3 for 11 के फिगर्स लिए 4 ओवर में 1 मेडन डाल के। अब 3 तो उसने विकेट ले ली तो उसके हो गए 75 पॉइंट्स, 1 मेडन डाला उसके मिले 12 पॉइंट, बन गए 87 पॉइंट्स। अब स्टार्टिंग 11 में तो था ही, 4 और पॉइंट मिल गए, 91 पॉइंट्स हो गए। इकोनॉमी रेट बिलो 5 रन का रहा, एक्चुअली 2.90 का रहा, उसके लिए भी मिले 6 और पॉइंट, हो गए 97 पॉइंट्स। और इस 3 for 11 में एक क्लीन बोल्ड भी था तो बोनस 8 पॉइंट और मिले, दैट मेक्स इट 105 पॉइंट्स। एंड 3 विकेट बोनस को ना भूलें, 3 for 11 मतलब 3 विकेट बोनस, 4 और पॉइंट मतलब टोटल 109 पॉइंट। एंड अगर ये प्लेयर आपका कैप्टन होता तो 218 पॉइंट, एंड वाइस कैप्टन होता तो 163.5 पॉइंट्स होते आपके। अब आते हैं फील्डिंग पे, कैचेस के लिए भी पॉइंट्स मिलते हैं। ईच कैच आपके प्लेयर ने ली उसको मिलेंगे 8 पॉइंट, एंड अगर एक प्लेयर ने 3 कैच या ज्यादा ली तो 4 बोनस पॉइंट और मिलेंगे। विकेट कीपर को स्टंपिंग के मिलते हैं 12 पॉइंट, एंड अगर दूर बाउंड्री या कवर या पॉइंट से डायरेक्ट हिट रन आउट हुआ जिसने वो डायरेक्ट हिट की उस प्लेयर को मिलेंगे 12 और पॉइंट। एंड अगर बाउंड्री से कोई थ्रो करता है एंड देन बॉलर या विकेट कीपर बॉल को पकड़ के रन आउट करता है तो जिसने रन आउट किया नियर द स्टंप्स उसको मिलेंगे 6 पॉइंट, एंड जिसने बाउंड्री या कहीं से भी बॉल फेंकी उसको भी मिलेंगे 6 पॉइंट। तो स्पेशली जब बॉल थोड़ी सी स्विंग हो रही हो या स्लो विकेट हो तो विकेट कीपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे टाइम पे, क्योंकि उसको स्टंपिंग कैचेस वो बहुत मिलती हैं। एंड अगर 3 से ज्यादा कैचेस मिल गई तो 4 पॉइंट बोनस भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये था डिटेल में पॉइंट सिस्टम इन फैंटेसी क्रिकेट, और मैंने लिया बल्लेबाजी का पॉइंट सिस्टम। एंड अगर आप बल्लेबाजी पे खेलते नहीं है तो जल्दी से बल्लेबाजी की ऐप को डाउनलोड करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। बिकॉज बल्लेबाजी डजंट ओनली प्रोवाइड यू बेसिक फैंटेसी क्रिकेट, मगर बहुत और कुछ है, रिवर्स फैंटेसी है, बैटिंग फैंटेसी है, बोलिंग फैंटेसी है, प्लेयर इंटेलिजेंस है जो आपको हेल्प करती है मेकिंग द बेस्ट टीम्स, इन सब पे भी आगे वीडियो जरूर आएगा। प्लीज हमारे फैन ब्लेज के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को सेव कर लीजिए, अगली बार आपको समझ ना आए कि आपके पॉइंट्स ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं। जस्ट ओपन दिस वीडियो एंड यू विल हैव ऑल द आंसर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज अकुल ढींगरा साइनिंग आउट।